हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के 25 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे रासायनिक बंधन यानी कि केमिकल बॉन्डिंग। फ्रेंड्स, ये ऐसा टॉपिक है ज़्यादातर स्टूडेंट इस पर ध्यान नहीं देते हैं और इससे क्वेश्चन आ जाता है तो कर भी नहीं पाते हैं। तो आज हम इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक न्यूज़ है, अब आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर मैंने एक फिजिक्स का कोर्स स्टार्ट किया है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, धनायन तब बनता है जब। फ्रेंड्स, आप 3 सेकंड तक इसका आंसर सोच सकते हैं। तो धनायन कब बनता है? परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है। तो ऑप्शन नंबर में हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, मान लो ये सोडियम का परमाणु है कोई, अगर इससे एक हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो सोडियम पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये धनायन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋणायन तब बनता है जब। दोस्तों, ऋणायन कब बनता है? परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। फ्रेंड्स, मान के चलें हमारे पास क्लोरीन है, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर देते हैं तब क्लोरीन पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव, यानी कि ये ऋणायन बन जाएगा। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयनों से बने यौगिक का सामान्य नाम है। दोस्तों, दो आयनों से मिलकर जो यौगिक बने होते हैं उन्हें हम वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक आयनिक बंधन बनता है तब। फ्रेंड्स, एक आयनिक बंधन कब बनता है? एक धातु का संयोग अधातु तत्व से होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, मान के चलें अगर NaCl में हमारा एक आयनिक बंधन बन रहा है तो इसमें सोडियम एक धातु है और क्लोरीन एक अधातु तत्व है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, आयनिक बंधन तभी बनेगा जब एक धातु का संयोग अधातु तत्व से होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैद्युत संयोजक बंध बनता है। तो फ्रेंड्स, कब बनता है? विपरीत अभिष्ट आयनों के बीच, अगर एक पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर नेगेटिव चार्ज है तभी वैद्युत संयोजक यौगिक बनेगा या वैद्युत संयोजक बंध बनेगा। तो उसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस यौगिक का आयनिक बंध नहीं है? तो दोस्तों, इसमें किसका नहीं है? मीथेन का। बाकी में यौगिक, दोस्तों बाकी यौगिक में आयनिक बंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस अणु में वैद्युत संयोजक बंधन है? तो किस में है फ्रेंड्स? कैल्शियम क्लोराइड में। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस में वैद्युत संयोजक बंधन है? तो फ्रेंड्स, किस में है? सोडियम ब्रोमाइड में। तो आप इसका ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सहसंयोजी अबंध किसके कारण बनता है? दोस्तों, सहसंयोजी अबंध किसके कारण बनता है? इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन के कारण। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तब उनके बीच बंध होगा। तो दोस्तों, उनके बीच कौन सा बंध होगा? अध्रुवीय सहसंयोजक, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीथेन के अणु में है। तो दोस्तों, मीथेन के अणु में क्या है? एकल सहसंयोजन बंध। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। जब हम मीथेन की संरचना बनाते हैं तो किस तरह की बनती है? सी एच एच
एच और एच। तो फ्रेंड्स इसमें जितने भी बॉन्ड होते हैं वो सिंगल होते हैं और ये सहसंयोजन बंध द्वारा मीथेन की संरचना बनती है, तो आप इसका ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एथिलीन अणु की आकृति होती है। फ्रेंड्स एथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? समतल त्रिकोणीय। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? तो फ्रेंड्स किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? कार्बन टेट्राक्लोराइड की। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सहसंयोजक यौगिकों के द्रव्यमानांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं क्योंकि? दोस्तों सहसंयोजक यौगिकों के द्रव्यमानांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं क्योंकि ये कम क्रियाशील होते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम क्लोराइड में होता है। दोस्तों सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? वैद्युत संयोजक बंधन, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब एक रासायनिक बंध बनता है तब क्या होता है? फ्रेंड्स जब भी एक रासायनिक बंध बनेगा तो हमेशा ऊर्जा हमें निर्मुक्त होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है, तो इसका आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की आकृति है। दोस्तों अभी इस क्वेश्चन को हम कर भी चुके हैं, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड की आकृति कैसी होती है? चतुष्फलकीय, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन अबंध नहीं है? तो आप इसके ऑप्शन देख सकते हैं, तो निम्न में से किस में हाइड्रोजन अबंध नहीं है? मीथेन में, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन बंध विद्यमान है? तो दोस्तों इसमें ये पूछा गया है कि हाइड्रोजन बंध किस में मौजूद है, तो किस में मौजूद है? हाइड्रोजन फ्लोराइड में, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रैखिक संरचना वाले यौगिक है। तो दोस्तों रैखिक संरचना वाला यौगिक कौन सा है इनमें? कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव है क्योंकि? आप इसके ऑप्शन देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो हाइड्रोजन बंध के कारण अणु संगुणित हो जाते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिससे जिसमें आयनी सहसंयोजिता तथा उपसहसंयोजिता वाले अबंध हैं। दोस्तों ऐसे यौगिक को हमें सेलेक्ट करना है इनमें जिसमें तीनों तरह के बंध पाए जाते हैं, तो इनमें ऐसा कौन सा यौगिक है? तो ऐसा यौगिक है अमोनियम क्लोराइड। फ्रेंड्स इसे हमें ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक को, क्योंकि इसकी संरचना बनाना पड़ता है, तो इससे जो क्वेश्चन आता है हमारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ईजी आता है, तो आप इन्हीं क्वेश्चन को कर लें और इस तरह के कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़रूर हेल्प मिल जाएगी और आपका क्वेश्चन उसी में से फंस जाएगा, तो आप ज़्यादा डीप में ना पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल के अधिक क्वथनांक का कारण है। दोस्तों जल के अधिक क्वथनांक का कारण क्या है? जल के अणुओं में हाइड्रोजन का अबंधन, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है? फ्रेंड्स इसमें क्या उपस्थित होता है जिसके कारण ये विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है? मुक्त आयन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है। तो दोस्तों सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण इनमें कौन सा है? CHCl3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति की समानता रखता है? तो किससे समानता रखता है फ्रेंड्स? अक्रिय गैसों से, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा।
दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है? तो कौन सा है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जिसमें कि एक सहसंयोजक यौगिक, जो कि दोस्तों जो कि एक सहसंयोजक यौगिक है, तो आप इसका ध्यान रखें। ये थे 25 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपने इनकी प्रैक्टिस अच्छे से की होगी तो आपको अपने एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसके PDF को पा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।